बाऊजी मैं जानता हूं कि आप ये जमीन रानू को तोहफे में देना चाहते हैं। बाऊजी मैं आपका ये सपना टूटने नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी रानू को वो जमीन तोहफे में देना चाहता हूं। बस इसीलिए वो जमीन मैंने पुत्र, तेरी बातों की सच्चाई तो तेरी आंखों में नजर आ रही है मुझे। इस तरह माफी मांग के मैंने होश शर्मिंदा ना कर। रानू के वास्ते तेरे दिल में जो प्यार है वो तो खुशकिस्मती है रानू की। कोई गल नहीं पुत्र, मैं रानू की खुशी के लिए वो जमीन बेचना चाहता था और तूने रानू की ही खुशी के लिए वो जमीन खरीद ली। बात इक्को है पुत्र, लेकिन पुत्र आज ये बात तेरी शन्नो पापी ने कही है, कल कोई और कहेगा, परसों पता नहीं बात कहां से कहां तक पहुंचेगी। बाऊजी ये बात आपको शन्नो भाभी ने बताई? लेकिन क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया? बाऊजी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ना पुत्र, बैठ, गुस्सा नहीं करते पुत्र, वो बड़ी है और वो कोई ये बात बताने थोड़ी आई थी। वो तो और बातों में जमीन की बात मुंह से निकल गई। तिनाल पुत्र, वो तो इस बात के लिए मेरे से माफी भी मांग रही थी, लेकिन अपनों से नाराज तो नहीं हुआ जाता ना पुत्र। घबराता हूं पुत्र कि जब और लोग भी यही बात कहेंगे कि मास्टर ने अपनी बेटी रानू का ब्याह धूमधाम से करने के लिए अपनी जमीन अपने समझियों को ही बेच दी, तो किस किस का मुंह बंद करूंगा पुत्र। खैर चलो, अब जो हो गया सो हो गया। अब तो मैं ये चाहता हूं कि राजी खुशी तुम दोनों का ब्याह हो जाए। इसकी खुशियां इसे देकर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लूं। एक बाप को इसके अलावा और क्या चाहिए होता है पुत्र? बाऊजी बस एक छोटी सी बात कहना चाहता था। अपने इस बेटे को आज के बाद गलत मत समझिएगा। ऐसी कोई गल नहीं। आप लोग आज चौकी के लिए आ रहे हैं ना? हाँ पुत्र, जरूर आ रहे हैं। या पुत्र तैयार हो जा तू भी। शाम को जाना भी है। ठीक है पुत्र, तू भी जा, हैं? हम लोग मिलते हैं शाम को, वही मिलते हैं। चलता हूँ बाबू। ओफो, दिन भर क्या एक ही कोना सजाते रहोगे? वहाँ भी तो करना है, जल्दी करो भाई। पूरे दिन बस एक ही काम करते हैं। ओ विक्की, राजेंद्र जल्दी करो भाई, पहली बड़ी देर हो चुकी है। चलो विक्की, मैं तो तैयार हूँ। ओ पुत्र, राजेंद्र को ले लेना ना। ओ बड़ा टाइम लगाता है बेबे, वो आ जाता है। जल्दी जल्दी जाओ भाई, तुम्हारे जाने से पहले ट्रेन ना आ जाए। दो गड्डियां के लेके जाना, सामान बात होएगा। ठीक है बीजी। शन्नो, मन्नो जी, पुत्र इधर आओ। तुम दोनों अपना अपना काम जल्दी से खत्म कर लो, फिर शाम को माता की चौकी की तैयारी को भी देखना है। और मैं नहीं चाहती ये जल्दबाजी में कोई काम खराब हो जाए। हाँ भाई, माता की चौकी का मामला है। नहीं होगा बीजी, क्यों चिंता करती आप? ये क्या, और ये नहीं लिखा? शन्नो तू भी ना बस। देख लिया अपने जिगरी दोस्त को? बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई है आपके उस फौजी दोस्त ने। तो जो कुछ भी होया है उसमें फौजी का क्या कसूर है? उसने वही किया जो उसको ठीक लगा, बस। हाँ हाँ, पूरी दुनिया में तो आपको दो ही लोगों पर भरोसा है,
एक तो अपनी उस लाडली रानो पर और दूसरे अपने जिगरी दोस्त पर फौजी। सारे कसूर तो मेरे ही होते हैं ना। खैर मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं। सुनिए आज हम माता की चौकी पर जा रहे हैं वड्डी हवेली। चढ़ावे के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब तो पैसों की कमी नहीं होगी। दामाद ने जमीन जो खरीद लिया है। मेरी पतली बहना अपने भाई के गले भी मिलने हैं। माँ को तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे दो साल की बच्ची होती है। अरे छोड़ो जी, पहले मेरे को माँ को मिलने दो। हाँ देखो, ओ बीजी देखो, इसको डेढ़ साल के बाद हम मिले हैं। मैं तो इस बार बीजी को कनाडा लेके जा रही हूँ। हाँ, सिर्फ आपका हक नहीं है उनपे। हाँ ओए, अभी अभी आई है, अभी जाने की बातें कर रही। तेरा सामान देखकर तो ऐसे लगता है जैसे तू यही टिकने वाली है। अरे भाई, मैं तो जरा स्टाइल वाले से ट्रैवल करती हूँ ना। और फिर शादी पे आई हूँ और इकलौती बुआ हूँ, कुछ तो शान होनी चाहिए है ना बीजी। चलता है देखा तुमने, इतने बड़े हो गए हैं पर बचपना अभी तक नहीं गया। हाँ भाई, तू अकेली आई है, हमारे जीजा जी कहाँ है? अरे उनको मैं जरा आजादी देखे आई हूँ, कुछ मेमो शेमो से भी मिल ले, बाकी मेरे पास ही तो आना है। वो की बिल्कुल याद नहीं आती है। आती है ना, घर संभालना होना, कोई जान ही नहीं देता कहीं। तुम दोनों वहां पे खड़ी रहोगी, मिलोगी नहीं आके मुझसे। Oh my God, Tina, इतनी पतली वैसी की वैसी। देखा कितनी खुश हो जाती है। आजकल की लड़कियों को बोल देना पतली हो गई है, बस खुशी के हमारे। भाई मैंने तो सोच लिया, मैं तो 5 किलो बढ़ा के ही जाऊंगी। तो बीजी तेरे लिए 2 पैसे लेके आई। देखो बीजी, देखो ना। वैसे बीजी यहाँ पे आके ना खुशी से ही वजन बढ़ जाता है। कनाडा में सब कुछ है मगर यहाँ की मिट्टी तो बस ठीक है ना। भगवान करे इस परिवार को ऐसी खुशियां मिलती रहे। अरे जिसके ब्याह के लिए मैं आई हूँ वो है कहाँ? साडा रणवीर कितने है? Here I am, sweetheart. Okay, okay, okay. Oh, अरे अरे चढ़ भाई, पैर वैर चुनता है, गले मिल है। Oh my God, कितना बदल गया। लास्ट टाइम तो मैं मिली थी बड़ा नॉटी जैसा, ये तो बड़ा बदल गया है। भाई वो कौन सी लड़की है, कहाँ है वो जिसने इतना बदलाव लाया साडे रणवीर? अच्छा
वो भी आ रही आज शाम को हमारे रणबीर की रानो। पोनीटेल्स कहाँ गई हाँ? अरे सुखी ना जीते रहो बेटा, मैं जब से आई हूँ बस दो ही नाम सुन रही हूँ, सुखी और रानो। जी नमस्ते, मैं सुखी की माँ कमला। अच्छा अच्छा नमस्ते। हमने भी आपके बारे में गुड्डो के मुंह से बहुत सुना है। कब? गुड्डो तू खुद ही बोलती है और खुद ही भूल जाती है, चल्ली है ये ना। और ये है जी गुरचरण जी, रानो के बाऊजी। नमस्कार। ये है जी रानो। ओके जीते रहो बेटा, तो तुम हो हमारे रणबीर की रानो। हाँ तुमने तो उस खोते को बिल्कुल बंदा बना दिया। He has changed completely, है ना? खुश रहो। हाय हाय, माता रानी की सौ, ये तो बेशर्मी की हद हो गई। मुझे लगा था इतनी बातें सुनने के बाद ये लोग तो यहाँ आएंगे नहीं। मान साहब, माता रानी के सामने ज्योति जल गई है, अब जिनकी शादी होने वाली है वो दोनों यहाँ पे आए और माता रानी को चुनर जाए। चलो चलो। माता रानी को जो चुनी चढ़ानी थी वो तो घर पे रह गई। तो क्या हुआ, हमें ना बीजी से एक और चुनी मांग लेते हैं। तो पकड़िए, मांगी भी चुनी थोड़ी चढ़ा सकते माता रानी को, अपनी चुनी चढ़ानी पड़ती है। हाँ तो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना विक्की बीजी से कह देती हूँ, वो गाड़ी में फटाफट जाके चुन्नी ले आएंगी। विक्की बीजी को कैसे मालूम चुन्नी कहाँ रखी है? तो एक काम कर, तू अपने पापा जी की गाड़ी लेकर जा और घर से चुन्नी लेकर आ जा, वहीं पलंग के पास जो अलमारी है ना वहीं पड़ी हुई, जा जा जा। बस देख सुखी कहाँ है।